जबलपुर के ग्वारी घाट स्थित झूलेलाल मंदिर के पास योग शिविर का आयोजन किया गया। महापौर की उपस्थिति में आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में साधु संत उपस्थित रहे, जिन्होंने धर्म संदेश दिया और योग गुरु ने योग से होने वाले फायदों को बताया। सभी के साथ उपस्थित महापौर ने भी योग किया और योग से होने वाले फायदों की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मैं श्यामलाल कॉम्प्लेक्स यादव में पहले रहती थी, तो वहाँ मैं मीनू से मुलाकात हुई, तो मीनू को देखे कि हमने कि योगा करती थी, मुझे भी इंटरेस्ट था योगा में, तो मीनू ने हमें योगा सिखाया। कोरोना काल में जब वो घर पर रहती थी तो हम लोग योगा स्टार्ट किए छत पे, तो बहुत अच्छा लगा, हम योगा सीखे और इसका श्रेय हमने मीनू को दिया कि मीनू ने। क्या फायदे मिले आपको योगा करने? योगा करने से मैं दिन भर फुर्ती में रहती हूँ, ना तो सुस्ती आती है ना थकान होती है, और बहुत अच्छा लगता है दिन भर, और मेंटल भी बहुत अच्छा रहता है, माइंड स्वस्थ रहता है और दिन भर कुछ थकान नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने योगा किया और इसका श्रेय मैं मीनू को देती हूँ कि मीनू ने मुझे सिखाया और कहा कि आप योगा कीजिए, और हम लोग बहुत अच्छा आनंद किए एक दिन। मेरा नाम आभा है जी। योग का सेमिनार सा योग का कार्यक्रम रखा था, इसमें अन्नू जी आए थे, अन्नू भाई जी, जिन्होंने आके मेरे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाई है ना, शब्दों को लेती हूँ। और योग का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था जिसमें सभी को हेल्थ इज वेल्थ है ना, योग करने से सभी स्वस्थ रहेंगे और नाना प्रकार बीमारियों से दूर रहेंगे। योग करने वाला कभी भी व्यक्ति हमेशा जवान रहता है, बुढ़ा नहीं होता, अपनी एज के पहले तो बुढ़ा होता ही नहीं है ना, इसीलिए सभी को योग करना चाहिए। इसीलिए हमने योग का ये प्रोग्राम रखा था कि कंटिन्यू में सब लोग एक साथ जुड़ें और नर्मदा माँ के तट पर सारे लोग योग करें और स्वस्थ रहें। ये मेरा एक लोगों को, मैंने कम से कम 1000 लोगों को योगा सिखाया है, अभी 100 से 200 लोग मेरे अंडर में हैं जो योग करते हैं और योग सीखते हैं और स्वस्थ और उद्देश्य ये है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, इसलिए योग करें है ना। और मैंने ये नेपियर टाउन में सिखाया है और आज मैंने झूलेलाल मंदिर में ग्वारी घाट के किनारे। आपका नाम? मेरा नाम है पूर्णिमा जिजोतिया, निक नेम है मीनू। ठीक है। कार्यक्रम और यहाँ पर सभी को बुलाकर हमारे चिर परिचित जो गुरुजन हैं उनके साथ हमारी मीनू दीदी हैं, नीतू जग्गी साहब हैं, पवन यादव जी हैं, आप सबने मिलकर यहाँ पे योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया तीर्थ क्षेत्र में। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। योगा और योग शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, ये अनादिकाल से सनातनी धर्म में हम लोगों के बीच में ये चला आ रहा है और इससे जीवन में जो लाभ हैं वो हम लोगों ने सबने साक्षात रूप से देखे हैं। इस तरीके का आयोजन हमारे शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और यही अपेक्षा भी रखता हूं कि लगातार ऐसी योग शिक्षाएँ चलती रहेंगी जिससे हमारा शहर स्वस्थ रह सकेगा। धन्यवाद। जबलपुर से आशीष बात्री की रिपोर्ट।